गौ माता की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो। हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माताएं वे स्कूल जा रही हो, बाजार जा रही हो, खेतों में हो, खलिहान में हो, उनको इस सुरक्षा पे कोई किसी भी प्रकार का सेंध लगाने का दुस्साहस न कर सके। एक ऐसा राजस्थान जहां भ्रष्टाचार में नंबर एक नहीं बल्कि समृद्धि में राजस्थान को नंबर एक लेके आना है। एक ऐसा राजस्थान जहां बेटियों की सुरक्षा में खतरा के लिए नंबर एक नहीं बल्कि बेटी और बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, इसमें राजस्थान को नंबर एक लाने की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होनी चाहिए। राजस्थान पिछड़ेपन के कारण नहीं बल्कि समृद्धि में नंबर एक लाने की दिशा में प्रयास होना चाहिए, और उसी के लिए आज आपके बीच में मैं विशेष रूप से आया हूं। भाइयों बहनों, ये जो बुलडोजर है ये उत्तर प्रदेश का वही प्रतीक है। दुष्टों के लिए ये उसका उपचार है और विकास के लिए एक रास्ता बनाने का माध्यम भी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी यह एक उपचार है। ये दोनों उपचार इसके साथ साथ चलते हैं। जिसके बारे में कभी कहा गया था ना कि सस्ते रखते रास्ते शास्त्र चिंता प्रवर्तते, हम सज्जनों का संरक्षण करेंगे, सज्जनों को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन दुष्टों के साथ उतनी ही शक्ति करेंगे। और यही तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। ये जो बातें कर रहे हैं ये फिर वही कर रहे हैं, ये देश हित में नहीं है, ये मुद्दे से भड़काना चाहते हैं। ये जो हमने परफॉर्मेंस दिए राजस्थान की सरकार ने कामों से, स्कीमों से, गारंटी से और कानून बना करके उन मुद्दों को भड़काने के लिए इस प्रकार के अल्फाज बोलते हैं, अभी पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। जैसे कर्नाटक के अंदर भी बजरंग बली का नाम आया था, कर्नाटक की जनता ने करार जवाब दे दिया, अब अगली बारी राजस्थान की, राजस्थान की जनता जवाब देगी, करार जवाब देगी कि जो काम हमने देखे हैं राजस्थान में, परफॉर्मेंस सरकार की है, स्कीम हमारी शानदार है, देश भर में चर्चा हो रही स्कीमों की, कानून हमने पास किए जो देश और दुनिया के अंदर चर्चित थे, और गारंटी अलग से है, बेनिफिशरी महंगे राज शिविर में गारंटी अलग दे दी गई है, और पानी की स्कीमों में, बिजली उत्पादन में, सोलर के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और स्वास्थ्य के अंदर सिरमौर है, देश के अंदर सिरमौर है। अगर मैं कहूँ सिरमौर देश में राजस्थान है, सिरमौर केंद्र का भी और राज्यों का भी, अतिशयोक्ति नहीं होगी, शायद दुनिया की किसी मुल्क में नहीं होगा जो हमारे यहाँ पर है 25 लाख का इंश्योरेंस फ्री, दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, मैंने चर्चा करी है एक महिला जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है फ्री, और घुटने बदल रहे लोगों के, हार्ट के स्टेंट लग रहे हैं, बाईपास हो रहा, किसे कहते हैं साहब, लोग विश्वास ही करते हैं अन्य राज्यों के लोग, क्या राजस्थान वास्तव में हो रहा है क्या, कुछ अंदाज कर लीजिए राजस्थान ने कितनी बड़ी